भारत की विदेश नीति पर कथित तौर पर सदन को गलत सूचना देने के मुद्दे पर विपक्ष विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को घेरने की तैयारी में है। शुक्रवार को विपक्षी पार्टियां राज्यसभा में विदेश मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को राज्यसभा में पाकिस्तान और चीन के मुद्दे पर सदन को जानकारी दी। डोकलाम विवाद पर सुषमा स्वराज ने कहा कि इसका हल कूटनीति से निकालेंगे। वहीं पाकिस्तान से भारत के संबंधों पर उन्होंने सदन में कहा कि बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद दोनों देशों के रिश्तों में दरार पड़ गई। जब बुरहान वानी का एनकाउंटर यहां हुआ और नवाज शरीफ साहब ने वहां खड़े होकर के उसको स्वतंत्रता सेनानी शहीद की संज्ञा दी, उसके बाद से चीजें बिगड़ी। तो आप ये कहते रोडमैप क्या, हमने तो रोडमैप बना दिया था। इसके साथ ही बांडुंग एशिया अफ्रीका संबंधों पर हुए सम्मेलन को लेकर सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्हें बयान देने का मौका ही नहीं मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ प्रधानमंत्री नेहरू की फोटो थी, सब जगह इकट्ठी होर्डिंग्स थी, मेरा माथा गर्व से ऊंचा हुआ। लेकिन वहाँ चूंकि बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं पंडित नेहरू का नाम ले ही नहीं सकती थी, ये मैंने आपसे बात की। विपक्ष विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के जवाब से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि चीन के मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं, लेकिन कुछ मामलों पर विदेश मंत्री ने कुछ नहीं कहा और कुछ पर उन्होंने गलत बयानी की है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिलीवर्ड अ स्पीच एंड आई एम सेइंग दिस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। वो मैं बता रही हूं, प्लेस इट टुमारो मॉर्निंग अ कॉपी ऑफ द स्पीच ऑफ वीके सिंह व्हिच योर मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मैंने आपसे कहा ना, in the 60th anniversary of the Bandung, nahin, I will not, place it no, tomorrow no, no, no. and I'll prove your government wrong. Yehi galat hai. It was not the 60th anniversary of Bandung, it was 60th anniversary of Asia-Africa conference. She has not answered many of the questions. For example, on Pakistan, on beheading, on what Prime Minister used to say earlier and now, also the issues which we have raised about PM statements in Washington and all. Nothing has been replied to. बताया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां बांडुंग में एशिया अफ्रीका संबंधों पर सम्मेलन और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाहौर दौरे के बारे में कथित गलत जानकारी देने को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ दो विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भाषण ही नहीं दिया, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो साइट है, प्लेटफॉर्म है, उसमें सब वो उपलब्ध है, इसलिए सवाल उठाया। और जाहिर है कि तथ्य अगर गलत दिए जाएंगे पार्लियामेंट में तो प्रिविलेज मोशन तो बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।